मनीषा हत्याकांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग है। हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ हुई घटना को लेकर बुधवार को वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से स्थानीय तहसील कार्यालय के समीप आक्रोश प्रदर्शन किया गया। घटना के विरोध में मार्च निकाल कर रोष जताया गया है। बिटिया को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल कर पीड़ित बिटिया को श्रद्धांजलि दी। बुधवार की दोपहर 12 बजे वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा हाथरस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया जा रहा है और हाथरस के डीएम और एसपी को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। पीड़ित युवती को श्रद्धांजलि देकर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की है। बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट धनराज बंजारी, संजय हेड़ाऊ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाथरस में मनीषा के साथ हुई हैवानियत के विरोध में ब्राह्मणी फाटा से जुलूस निकाल कर हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की और इस हत्याकांड प्रकरण में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग उपस्थित महिलाओं ने की है। इस अवसर पर बहुजन आघाड़ी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट धनराज बंजारी, इनके नेतृत्व में संजय हेड़ाऊ, प्राध्यापक रमेश पिसे, राहुल वानखड़े, प्रमोद बागड़े, राजू लोखंडे, मधुकर बागड़े और अन्य प्रमुखता से उपस्थित थे। मधु खांडेकर, गंगाधर राउत, नीलेश पाटिल, नामदेव बागड़े, नीलेश झोड़ापे, रंजीत ढोले, युवराज गायकवाड़, आशीष रंगारी, साथ ही अन्य वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, युवक तथा महिलाएं उपस्थित थी। लहान भाऊ रुग्णालयामध्ये तिची सेवा करताना तिच्या गुप्तांगातून तिच्या योनीतून सतत रक्तस्त्राव का होत होता? हा रक्तस्त्राव कशाचं प्रतीक होतो हे आरोग्य व्यवस्थेतले जे तज्ञ आहेत त्यांनी सांगावं। अगदी बरोबर आहे। ज्यावेळेस या देशामध्ये निर्भया कांड झाला आणि निर्भयाचं प्रकरण जेव्हा देशात झालं, अख्खा भारत देश ढवळून मधल्या सेलिब्रिटी सुद्धा ढसा ढसा रडायला लागल्या। जया बच्चन सुद्धा रडायला लागली की म्हणे माझ्या निर्भयाला न्याय मिळाला पाहिजे। धर्मवादाकडे चाललेला आहे, हिंदू राष्ट्राकडे चाललेला आहे। कुठलं हिंदू राष्ट्र म्हणता तुम्ही? कुठलं हिंदू राष्ट्र म्हणता? लाज वाटत नाही का? मनीषा वाल्मीकि हिंदू होती की मुसलमान होती मला सांगा। तुम्ही जे हिंदू राष्ट्र म्हणताय ना, ते हिंदू राष्ट्र तुमचं बनावट हिंदू राष्ट्र आहे। हिंदू राष्ट्रामध्ये चातुर्वर्ण आहे। खालच्या जातीच्यावर अन्याय झाला की वरच्या जातीने सांगायचं आम्ही तो केला नाही, खोटं नाटक करून पोलिसात खोटे रिपोर्ट द्यायचे, न्यायालयामधून निर्दोष मुक्त व्हायचं, याला हिंदू राष्ट्र म्हणतात? आता का नाही ते भजन दलाचे लोक, का नाही दुर्गा वाहिनीच्या माझ्या त्या सगळ्या आई भगिनी रस्त्यावर येऊन विचार करत की एका हिंदू मुलीवर जुलूम झाला आहे, अत्याचार झालेले आहे। NBC News के लिए कलमेश्वर से योगेश कोर्डे की रिपोर्ट।